ये देख। हेलो गाइस, वेलकम टू महादेव एडिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। गाइस, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही होंगे किस टॉपिक पे हमारी वीडियो होने वाली है। गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम रील्स में। अगर आप भी कुछ इस तरह की वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो 100% ट्रेंड करेगी इंस्टाग्राम रील्स में। तो गाइस, ये इस वीडियो में क्या है, सलमान खान आते हैं तो वो कहते हैं ये देख ये देख। तो सलमान खान का ये डायलॉग है, मतलब उस पर जब ये बोलता है ना तो उस पर हमारी वीडियो या तो फोटो होती है, जो जो भी होता है, जो भी आप लगाना चाहते हो, तो वो हमारी मतलब बदलते बदल के आती रहती है। मतलब पांच से फोटो हमारे, पांच वीडियो या पांच फोटो हम इसमें लगा सकते हैं। चाहे फोटो लगाएं, चाहे आप वीडियो लगाएं, या चाहे आप दोनों मिक्स करके लगा लें, वो आपकी चॉइस है। चलो गाइज, फुल वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में कि वीडियो कैसे बनाना है। तो विदाउट स्किप किए वीडियो को फुल देना, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सी क्लिप कहाँ पर लगानी है और कौन सा बीट कहाँ पर लगाना है और किस एप्लीकेशन से एडिट करना है। चलो गाइज, बिना देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपने क्या करना है, पहले VN एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। गाइज, ये एप्लीकेशन इतना बढ़िया है ना, इसमें बहुत बढ़िया इफेक्ट है ना, तो इसमें ये ना तो इसमें कोई पेड है, ना इसमें कोई आपको पैसा लगाना पड़ता है, और तो ना ही इसमें कोई वाटरमार्क आता है। तो गाइज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो सिंपल आप लोग जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद गाइज, यहाँ पे मैं आपको जो सलमान खान का जो मतलब ये डायलॉग वाला क्लिप है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा। तो आपने सिंपल वहाँ से जाके इसको ऐड कर लेना है, मतलब डाउनलोड करके फिर ऐड कर लेना है यहाँ पे अपने टाइमलाइन पे। गाइज, जब आपका क्लिप ऐड हो जाएगा तो आपने उसके बाद अपनी फोटो वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ से आपने पाँच फोटोज अपनी बढ़िया बढ़िया वाली, जो अगर वीडियो है बढ़िया बढ़िया वाली तो वीडियो लगा लेनी है। पाँच फोटो या पाँच वीडियो लगानी है, मिक्स करके आप लोग दो फोटो तीन फोटो मतलब तीन वीडियो या दो वीडियो या तीन फोटो आप कुछ इस तरह की वीडियो करके लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं पाँच फोटोज ऐड करूँगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पाँच फोटोज हो गई हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके मिसम ऐड कर लूँगा, देख सकते हैं हमारी आ चुकी है अच्छे से। तो गाइस, लास्ट में आपको ना एक बैक मतलब डिफॉल्ट बैकग्राउंड ऐड हो जाता है, तो उसको क्या करना है, कोई रोल नहीं होता हमारी वीडियो में, उसको सिंपल हमने डिलीट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे गाइज, हमने टैप टू ऐड म्यूज़िक पे क्लिक करना है और यहाँ पे म्यूज़िक वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ से हम ये म्यूज़िक चूज़ कर लेंगे, इसलिए हमारा यहाँ पे म्यूज़िक आ चुका है। और गाइज, अगर आपका मतलब फ्रेम का साइज़ अच्छा नहीं होगा ना, तो आपने यहाँ पे ओरिजिनल वाले में जाना है, अपने फ्रेम भी सेट करना है। कहीं कहीं में सेट नहीं होता है, पर कहीं कहीं में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सेट नहीं होगा तो आपने ओरिजिनल ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे 9:16 वाले ऑप्शन चूज़ कर लेना है आपने। तो इससे क्या होगा, आपका जो फ्रेम है ना वो इंस्टाग्राम रील्स के मतलब अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे आपने अपनी क्लिप ऐड कर दी है। अब देन यहाँ पे आपको देखेंगे ना, हमारी जो फोटोज़ की लेंथ है बहुत बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम पांच फोटोज़ को ना अपने मतलब जितनी हमारी ऑडियो बच रही है इस क्लिप के ऐड करने के बाद, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या है कि हम सारी वीडियो मतलब सारी फ़ोटो को इक्वल डिवाइड करेंगे, कि हमारी जो फोटोज़ की पाँच लेंथ की फ़ोटो है वो इस वीडियो के मतलब बराबर आ जाए। तो ये नहीं कि हम सब कर देंगे, तो हम सब फोटो को मतलब अच्छे से रखेंगे। ये देखिए, इतना हो गया, सारी मतलब फ़ोटोज़ का लेंथ बराबर ही बराबर है। तो यहाँ क्या करना है, ये सब हो गया है, तो अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो वीडियो म्यूट ही होगा, क्योंकि अगर म्यूट नहीं होगा तो भाई कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइज, कितने अच्छे से हमारी मतलब फोटोज़ वीडियो अकॉर्डिंग ऐड हो चुकी है, मतलब ऑडियो अकॉर्डिंग ऐड हो चुकी है। गाइज, पर हमारी वीडियो ना बहुत ही सिंपल है, मतलब ना इसमें कोई इफेक्ट है, ना मतलब कोई ट्रांजेक्शन है फोटो, मतलब चेंज होता है ना तो फोटो में एक इफेक्ट सा आता है, वो नहीं है। तो उसमें मतलब कोई अच्छा सा नहीं लग रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा ना आपको, इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे जूम वाले इफेक्ट आप होते हैं ना, ये जूम वाले, पर जूम वाले जो हैं यही अच्छे लग रहे हैं आजकल, यही चल रहे हैं, तो ये हमने लगा लेना है। तो गाइज, देख सकते हैं हमने एक पे लगाया, दूसरे पे लगाएंगे, तीसरे लगाएंगे, चौथे लगाएंगे। गाइज, इतनी मेहनत क्यों करें, हार्ड वर्क से अच्छा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहली लगाई थी ना, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर देंगे। जैसे ही अप्लाई ऑल टू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सब पे हमारे पे लग गया है, सब पे मतलब जितनी भी हमारी थी उसके बाद जो थी हमारी सब लग गई हैं। तो पहले पे लोड नहीं थी, उसके बाद जो थी वो उस पे सब पे लोड थी, देख सकते हैं सब पे लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, तो ये सब पे लग चुका है। देन इसके होने के बाद गाइस, अगर आपको ये इफेक्ट नहीं लगाना तो आपने क्या करना है, सिंपल फोटो पे क्लिक करना है और ये इफेक्ट्स में जाना है, और जिस भी इफेक्ट को आप लगाना है इस तरह से, उसको यहाँ पे अपने फ्रंट पे करके सेम मेथड गाइज अप्लाई टू ऑल पे कर देना है।
तो ये क्या है, सब पे लग जाएगा, देख सकते हो ये सब पे लग गया है। तो अगर आप लगाना चाहते हो ये भी लगा सकते हो। ये सब होने के बाद गाइस मैंने तो दोनों लगाया है, पर आपने कोई एक ही इफेक्ट लगाना ताकि वो ही अच्छा लगता है। आप ऐसे कर सकते हो, ये पहले प्लस वाला आई कर कोई एक लगा लें, फिर इस पर ये दूसरा वाला लगा लें, इस पर मतलब ऐसे ऐसे करके अलग अलग लगाएं, सेम मतलब दोनों इफेक्ट एक साथ ना लगाएं, मतलब अच्छा सा नहीं लुक आता है उसमें वीडियो में। तो जब आपकी सब अच्छे से वीडियो एडिट हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है, 720 वाले पिक्सल से आपने डाउनलोड करना है। अगर आपको और भी अच्छी मतलब क्वालिटी चाहिए तो आप 1080 पिक्सल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं 720 पे कर रहा हूँ, तो रिक्वायर करूँगा 720 करेंगे, देन उसके बाद हमारी 100% तक यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी, और उसके बाद हमारी जो वीडियो हमने जो एडिट की है वो हमारे गैलरी में सेव हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं 100% कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देंगे, तो ये वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। तो आप जाइए चेक कीजिए और रील्स पे अपलोड कीजिए, और मुझे मतलब मैसेज की मतलब मुझे शेयर कीजिए, तो मैं आपकी वीडियो जरूर लाइक करूँगा। तो हाँ गाइज इंस्टाग्राम पे, तो हाँ गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहे। तो हाँ गाइस अगर वीडियो का कोई भी इशू या प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।